ठीक है। अभी नेक्स्ट मकर संक्रांति हमको क्या सिखाता है, हम क्या खाते हैं मकर संक्रांति में? गुड़, हलवा, पूरण पोली, है ना? महाराष्ट्र में ना ऐसा तिलगुल घ्या आणि गोड गोड बोला, इसका मतलब क्या है? मीठा खाओ मीठा बोलो। पर हमें तो वजन कम करना है, इसलिए ना तो हम मीठा खाते हैं ना मीठा बोल पाते हैं, हमेशा चिड़े हुए रहते हैं, हर चीज में स्ट्रेस हो जाता है हमको। अगर हॉलीडे पे भी जाने तो भी स्ट्रेस हो जाता है, शिट यार बीच पे क्या पहनूंगी, स्ट्रेस हो जाता है एकदम। तो कोई भी चीज को तो हम एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। ये जो शक्कर है, चीनी, शुगर, शक्कर, ये सदियों से, और इससे बनी हुई हर चीज जैसे लड्डू, हलवा, ये सदियों से हमारे यहाँ खाते आए हैं, है ना? हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी हाथ पे हमें शक्कर दिया करते थे प्यार से, वो उनका स्नेह था, प्यार था। हम एग्जाम्स जाते थे तो हमें दही शक्कर खिलाया जाता था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 2018, अभी शुगर को वाइट पॉइजन बोलते हैं, एम्प्टी कैलोरीज, शुगर इज बैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी क्या है, अभी दादा दादी भी चॉकलेट्स देने लगे हैं, अभी वो शुगर नहीं देते, अभी शक्कर नहीं देते, अभी चॉकलेट देते हैं। अभी हम एग्जाम में जाने से पहले दही शक्कर नहीं खाते हैं, अभी हम ओट्स का ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो ओट्स और चॉकलेट्स में या ब्रेकफास्ट सीरियल्स में या बिस्किट्स में क्या शुगर नहीं है? शुगर है। ये शुगर के कई नाम हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइज शुगर, HFCS जिसको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं, एडेड शुगर, कई अलग अलग नाम हैं। पर ये शुगर के साथ साथ उनमें इमल्सिफायर्स भी है, एडेड कलर्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, फ्लेवर्स है, और कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं। और हमारा शुगर कहाँ से आता है? गुड़। हमारा शुगर शुगरकेन से आता है। मकर संक्रांति को पूरे भारत में एक हार्वेस्ट सीजन के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, है ना? शुगरकेन का भी हार्वेस्ट होता है इस सीजन में, अभी के जो सीजन में। तो संक्रांति में हमें शुगरकेन खाना चाहिए या नहीं? खाना चाहिए। और क्या वजह है जिसके वजह से हमें शुगर खाना चाहिए? शुगरकेन में ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड से दुनिया भर में, विश्व भर के रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट ग्लाइकोलिक पील्स बनाते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव पील्स होते हैं, जिससे आपके चेहरे के लाइंस है, रिंकल्स है, जितने डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन के दाग हैं, वो सब निकलते हैं। तो अगर आपको फॉरएवर यंग दिखना है तो शुगर केन खाइए, और उसका रस भी पीजिए, गन्ने का रस भी लीजिए। पर अभी हमें तो गन्ने का रस पीने में भी बहुत मुश्किल है, हम किसी को ऐसा देखते हैं, क्योंकि बॉम्बे में बहुत स्टॉल्स है गन्ने के रस के, हर दूसरे सिग्नल पे आपको ये मिलेगा, तो मुंबई के लिए बहुत इजी है। लेकिन ऐसा हम अगर किसी को देखते हैं रस्ते पे ऐसा गन्ने का रस पीते हुए, तो हमें लगता है गरीब बेचारी गन्ने का रस पी रही है ना? तो वो भी अब हमें अच्छा नहीं लगता है, उसमें भी हम सोचते हैं बड़ा गरीब सा लगने लगता है हमको अगर हम गन्ने का रस पीते हैं। पर वही अगर हम कोल्ड प्रेस जूस पी रहे हो, कोल्ड प्रेस जूस का नाम सुना है? कोल्ड प्रेस जूसेस, तो कोल्ड प्रेस जूस जब बड़े बड़े कंपनीज ऐसा बॉटल में आपको इंपोर्ट किया हुआ फैंसी बॉटल्स में बना के जब आपको सेल करते हैं 5 times the money, 10 times the money, हम डिटॉक्स के नाम पे उसको पीते हैं। बट शुगर केन जूस हमारा इंडिया का नेटिव डिटॉक्स ड्रिंक है, क्योंकि ये जो बड़े कंपनीज हैं, जब इन लोग बाहर से चीजों को लाकर आपको जूस बनाकर सेल करते हैं, तो इन लोग का एक प्रोसेस होता है HPP, वो एक प्रिजर्वेशन प्रोसेस है, वो उनको करना पड़ता है उसके प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है, जितने उस जूसेस में लाइव एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने प्रोबायोटिक्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। पर जब हम एक गन्ने का रस पीते हैं, वो उसी समय निकाल के हमें दे रहा है, हम फ्रेश पीते हैं, तो उसमें सारे ये सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब बरकरार रहते हैं, जो हमें, जो ये भी हमें डिटॉक्स देता है। पर इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और दूसरी क्या चिंता हो जाती है जब शक्कर की बात करें, दूसरी चिंता डायबिटीज की हो जाती है। तो शुगर केन जूस का GI लो है। GI सुना है आपने, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ना? तो लो GI जब होता है, तो लो GI डायबिटीज के लिए दिया जाता है, डॉक्टर्स बोलेंगे लो GI फूड खाओ। तो शुगर केन जूस भी लो GI है, तो इसलिए अगर आप डायबिटिक है या कोई भी डायबिटीज से है, शुगर केन जूस आराम से पी सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। गन्ने का जूस भी डॉक्टर भी बोलता है नहीं पीना चाहिए, उसमें बहुत शुगर। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए लो GI है शुगर केन जूस, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि डायबिटीज के लिए लो GI फूड ही रिकमेंड किया जाता है।
सो दिस इज द थिंग. सो शुगर लीजिए, शुगर खराब नहीं है. विंटर्स में शुगर शुगर केन से बना गुड़ खाइए, और अगर समर्स में है तो शुगर केन से बना शक्कर लीजिए, शरबत में डालिए. जो शक्कर है वो अनरिफाइंड शुगर हो, देसी शक्कर हो, कोई प्रॉब्लम